Dear students, in today class we are going to study about differential amplifier circuits. ये भी एक टॉपिक जो है वो ऑप एम का टॉपिक है जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो कि इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर में आता है. और मेरा नाम हरी मोहन राय है. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है क्या? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कभी डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में और डिफरेंस एम्पलीफायर में दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर डिफरेंस एम्पलीफायर पूछे और डिफरेंस एम्पलीफायर पूछे तो दोनों के अलग अलग ये है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट अलग है और डिफरेंस एम्पलीफायर जो है वो अलग है. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट को थोड़ा सा एक आध लाइन में मैं डिफाइन करता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही ब्रीफ में और इसको थोड़ा सा देखें क्या होता क्या है और ये कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं. चलिए फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, हम इसमें इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, तो इसमें हम ये सर्किट का यूज करते हैं, यानी कि दो बीजेटी सर्किट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज करके हम एक एम्पलीफायर की तरह यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह बिहेव कराते हैं, उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं. जैसे इसको डिफाइन करें प्रैक्टिकली, अगर हम बात देखें प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर्स जो इसमें यूज करते हैं, मतलब हम यानी कि टू ट्रांजिस्टर्स जनरली बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. ठीक है, यानी कि हम इस केस में दो ट्रांजिस्टर्स को बीजेपी एंड जनरली बीजेपी हम यूज करते हैं यूज टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. तो दो बीजेपी को हम कहते हैं, बीजेपी तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर. तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो कॉमन इमीटर यानी कि इमीटर बायस्ड जो है, इमीटर बायस टू, यहाँ पे दे रहा हूं मैं टू इमीटर बायस यानी कि और एंड कॉमन इमीटर, यहाँ पे इमीटर बायस कॉमन इमीटर ही होता है और ये कॉमन इमीटर सर्किट आर यूज्ड टू डिजाइन कर सकते हैं द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. एम्पलीफायर सर्किट नाउ सो व्हाट आर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, दो कॉमन इमीटर सर्किट्स को जो दोनों एक आइडेंटिकल हो गए एक के सामने, यानी कि एक दूसरे का मिरर इमेज के थ्रू हम इसको बनाते हैं. जैसे हम अभी पहला बनाने जा रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में बनाने जा रहा हूं. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट हम इसी तरीके से जो हमने अभी अवगत किया, दो कॉमन इमीटर यानी कि इमीटर बायस को, यानी कि देखिए ये एक कॉमन इमीटर, इमीटर में एक रेसिस्टेंस, कलेक्टर में एक रेसिस्टेंस और यहाँ पे ये हो गया आपका बेस, तो बेस में भी हम एक रेसिस्टेंस लगा दें ये यहाँ पे. और फिर इसके अपोजिट यानी कि आइडेंटिकल का मतलब जस्ट इस तरीके से, जहाँ पे इमीटर इमीटर के साथ, कलेक्टर कलेक्टर के साथ और बेस एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों को हमने आपस में कॉमन करके और इसमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं माइनस वीईई. और इन दोनों को आपस में जहां पे हम बायसिंग करते हैं यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये हम दे देंगे प्लस वीसीसी. ओके, और यहां से यानी कि दोनों के ये जो बेस है, ये इसका बेस और ये दूसरे का बेस, तो ये दोनों के बेस से हम इनपुट देते हैं. मान लो कि यहाँ पे आपने इनपुट V1 दिया और यहाँ पे इनपुट V2 दिया. नाउ अब ट्रांजिस्टर्स के हम नाम मान लेते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को हमने मान लिया कि ट्रांजिस्टर नंबर T1 है और ये ट्रांजिस्टर नंबर T2 है. तो सिंपल सी बात है, इसके रेसिस्टेंस को जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस को हम RC1 बोलेंगे, ये RE1 क्योंकि इमीटर रेसिस्टेंस है इसको RE1 बोलेंगे और इसके बेस को हम RB1 बोलेंगे. इस तरीके से इसको भी RC2 बोलेंगे, यहाँ पे RB2 बोलेंगे और यहाँ पे RE2 बोलेंगे. जनरली दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब
जनरली आर सी वन की वैल्यू आर सी टू, आर ई वन इक्वल टू आर सी टू, आर बी टू, ये होता है अगर हम ये किया जाए, जैसे आर सी वन की वैल्यू हम आर सी टू के बराबर रखते हैं और आर ई वन की वैल्यू आर ई टू के बराबर रखते हैं। आर बी वन एंड आर बी टू वेरी कर सकता है क्योंकि दोनों जो हम वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग दे रहे हैं। नाउ जैसा कि हम लोग को पता है, या अगर आपको नहीं पता है तो फिर अभी ये जानना जरूरी है कि जो कॉमन इमीटर या जो सर्किट है इसमें जो भी हम यहाँ पे इनपुट देते हैं वो अपने कलेक्टर पे, यहाँ पे इनपुट मैन अगर आपने ये दिया तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में यानी कि अपोजिट करके ही आपको यहाँ पे आउटपुट देता है। यानी कलेक्टर से जो आप आउटपुट निकालोगे कॉमन इमीटर के केस में, तो जो भी बेस पे आप इनपुट दोगे वो इन्वर्टेड फॉर्म में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के साथ यहाँ पे कलेक्टर में एज ए आउटपुट वो रिसीव होगी। तो अगर यहाँ पे भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट के तौर पे देखोगे आप, यहाँ पे एक में आपने इनपुट V1 दिया है, मान लेते हैं कि आपने जो इसमें इनपुट दिया है, हमने यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है, और यहाँ पे जो V2 पे जो आपने दिया है वो हो सकता है कि आपने नेगेटिव यानी कि अपोजिट दिया इन्वर्टेड फॉर्म में। ओके, अब इसको आपने V1 और इसको V2 माना, तो जो यहाँ पे अपियर होगा यानी कि जो हम आउटपुट लेंगे वो RC1 से और दूसरा जो है RC2 से, तो RC1 पे जो अपियर होगा वो इन्वर्ट हो गया यानी कि कुछ इस तरीके से मिलेगा ये, और यहाँ पे इसका यानी कि RC2 पे जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो भी कुछ इन्वर्टेड फॉर्म में इस तरीके से मिलेगा। RC2 मुझे थोड़ा इधर लिखना होगा बिकॉज इट इज स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, तो लेट्स राइट डाउन हियर, ये RC2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इसका जस्ट जो भी आपने दिया इसका अपोजिट आपको ये नाउ जस्ट इट इज लुक लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो आउटपुट हम लेंगे वो कुछ इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे आउटपुट होगा और जो कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा, जो भी यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे, ये आउटपुट वोल्टेज, और यही होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, दो पे इनपुट देते हैं, ये माइनस पे आपने एक इनपुट V1 दिया, इसी एक को माइनस और एक को इसको हमने प्लस मान लिया और इसको हमने माइनस दिया है ना ये V2, तो हमारा आउटपुट जो इनपुट हो, जो डिफरेंशिएट होगा जो आउटपुट वो किसके बराबर होगा, ये V1 माइनस V2 के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके मिलेगा। वहां पे जो V1 को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं और जो यहाँ का आउटपुट मिल रहा है, V2 को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं वो आउटपुट मिल रहा है, और दोनों का जो दो डिफरेंस आएगा वही आपका टोटल आउटपुट होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट। सो यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट होता है उस सर्किट को उसी जैसा उसी के इक्विवेलेंट जो है दो बीजीटी का यूज करके एक एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ किया है, बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट। अब इसी को इसी तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट जो हमने बनाया है कॉमन मोड एम्पलीफायर सर्किट भी हम बना सकते हैं, यानी कि इसका हम नाम दे सकते हैं कि अगर कॉमन मोड एम्पलीफायर सर्किट की बात करें, या कॉमन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग डालता हूँ, अगर यहाँ पे कॉमन मोड सर्किट या डिफरेंशियल सर्किट कर सकते हैं, तो अब कॉमन मोड में क्या होगा, जैसा आपने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था, जो भी सर्किट डायग्राम आपने अभी ड्रॉ किया था उस सर्किट डायग्राम को एज इट इज, बस हमें आउटपुट दोनों का क्या करना है, कॉमन करना है, मतलब सॉरी इनपुट दोनों का कॉमन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक को इनपुट जो है जो हम एक को इनपुट देंगे वही इनपुट दूसरे को भी होगा, यानी कि सिमिलर जैसे हमने पहले बनाया था एज इट इज हम इसको बनाते हैं, बस अंतर क्या होगा कि इनपुट को हम जो ये करेंगे वो दोनों के साथ कॉमन कर देंगे, यानी कि अगर मैंने V इनपुट दे रहा हूं, मैं सपोज कहिए कि मैंने यहाँ पे जो इनपुट जो दिया हुआ है वो प्लस V अप्लाई किया हुआ है, तो ये भी जो दूसरे वाले में भी इनपुट जाएगा वो भी प्लस V के ही बराबर जाएगा, जैसे हमने तो प्लस V के ही बराबर, यानी कि दोनों में कॉमन इनपुट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन मोड डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट। यानी कि एम्पलीफायर सर्किट का जो ऑपन सर्किट जो भी हम लोग बनाते हैं बीजेटी का यूज करके इन दोनों के हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो ये बन गया कॉमन मोड एम्पलीफायर सर्किट, यानी कि जो वी वोल्टेज है वो दोनों में कॉमन जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे आर बी वन इक्वल टू आर बी टू कर दिया, यानी कि दोनों में दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ भी आर सी वन ये आर सी टू दोनों दूसरे ट्रांजिस्टर है, आर ई वन एंड आर ई टू, ओके ये इसका ट्रांजिस्टर नंबर वन, ट्रांजिस्टर नंबर टू, और ये जो है वो दोनों माइनस वी ई ई है। अगर आप इसको इसको देखें तो कुछ इस तरीके से हुआ, इसका मतलब है कि ये माइनस प्लस दोनों आपस में जो भी वोल्टेज है वो दोनों कॉमन वोल्टेज है, दोनों में एक ही वोल्टेज आ रहा है, isn't it? दोनों में कॉमन वोल्टेज आ रहा है V, V के बराबर या वी डी की जो भी आप मान लीजिए, यहाँ पे आप V के बराबर दोनों में आप कॉमन वोल्टेज दे रहे हैं,
और यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो भी आउटपुट के बराबर है, और यहाँ पे आपने जो V प्लस VCC और माइनस B देते हैं जो आपकी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई डीसी वोल्टेज सप्लाई होता है वो एज इट इज यहाँ पे VCC और VE के फॉर्म में दिया हुआ है। अब जनरली क्योंकि हमें दोनों को वोल्टेज को बराबर रखना है तो RB1 इज इक्वल टू दोनों आइडेंटिकल फॉर्म में रखते हैं और इस तरीके से हमारा ये एक तरीके से कॉमन मोड सर्किट के तौर पर काम करता है। नाउ अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो सर्किट होता है ये वो चार तरीके के हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स अगर मैं बात करूं यानी कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, ओके डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट तो कितने टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट होते हैं, खासकर इस अगर हम बीजेटी का यूज करके अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चार तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन सा ये देखिए, अगर मैंने पहला सर्किट लिया डुअल इनपुट दोनों टर्मिनल पे यानी कि दोनों बेस से हम इनपुट ले रहे हैं, पहले वाले ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर में, तो कहलाएगा डुअल इनपुट एंड अनबैलेंस आउटपुट, सॉरी बैलेंस्ड आउटपुट, पहले बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब जो दोनों टर्मिनल से दोनों बेस से इनपुट लिया और दोनों कलेक्टर से आउटपुट लिया। यहाँ पे हमें ये दिखाना, यहाँ पे आउटपुट हम लेते हैं इस टर्मिनल से। नाउ अगर हमने सेकेंड हम यूज करते हैं कि अगर ड्यूअल दोनों पे इनपुट तो लिया लेकिन किसी एक के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, ड्यूअल इनपुट बट अनबैलेंस्ड आउटपुट, इट मीन्स दैट अनदर जो टर्मिनल है दूसरे को एक दोनों पे इनपुट दिया मैंने बट एक को ग्राउंड कर दिया और दूसरे से हमने आउटपुट लिया, तो ये हो गया ड्यूअल इनपुट एंड अनबैलेंस आउटपुट सर्किट डिफरेंशियल सर्किट। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो सर्किट होगा वो अब सिंगल इनपुट कर लेते हैं, सिंगल इनपुट बट बैलेंस्ड आउटपुट, आउटपुट हम दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के चलेंगे बैलेंस्ड आउटपुट। और जो फोर्थ नंबर होगा जस्ट यहीं पे सिंगल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट क्लियर है। तो यही चार टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं। कॉमन मोड सर्किट सिर्फ एक ही टाइप का होता है बिकॉज उसमें हम बहुत सारी चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों में इनपुट कॉमन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन चारों के बारे में वन बाई वन करके, बस सर्किट में एक एक चेंज होगा, मात्र सिंगल सा चेंज होगा और आपको जो मेन सर्किट आएगी वो डिफरेंट आते जाएगी, आपका जो ये आते जाएगा, यानी पहला जो सर्किट हमने बात किया था वो ड्यूअल इनपुट, ये देखते हैं ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट। तो बैलेंस्ड आउटपुट के केस में क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस्ड आउटपुट देखिए ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस आउटपुट, सिमिलर सर्किट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट वाला जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था वैसे ही सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और अब इसमें क्या करना है, जो मेरी पहली सर्किट थी जो हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट की बात की थी वही सर्किट डुअल इनपुट एंड बैलेंस आउटपुट सर्किट है, यानी कि उस सर्किट को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सेम सर्किट यानी कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था वो सर्किट जो है वो है ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस आउटपुट का, क्यों, क्योंकि इनपुट हम दोनों टर्मिनल पे दे रहे हैं और दोनों टर्मिनल से यानी कि दोनों जो कलेक्टर है उन दोनों से हम आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि दोनों के बेस से इनपुट दे रहे हैं, यहां से हम इनपुट ये दिया, यानी कि मान लिया कि आपने इसको V1 दे दिया ये और इसके अक्रॉस आपने V2 दे दिया, ओके तो इनपुट ड्यूअल हो गया दोनों पे, आपने इसको RB1 बेस के अक्रॉस, इस दूसरा ट्रांजिस्टर RB2, अगेन यहाँ पे आपने इसको RC1 और इसके अक्रॉस RC2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपने VCC सप्लाई प्लस और ये इमिटर के अक्रॉस माइनस VEE सप्लाई दे रखी है, ओके और ऑफ कोर्स ये RE1 एंड ये RE2 होगा ट्रांजिस्टर नंबर 1 एंड ट्रांजिस्टर नंबर 2। तो अब देख सकते हैं कि जो आउटपुट मैं ले रहा हूँ इन दोनों के अक्रॉस, यानी कि ये भी आउटपुट किसी एक को प्लस एंड माइनस जो भी है पोलरिटी डिपेंड करेगी हमने क्या दिया है, तो ये जो आउटपुट यानी कि दोनों के कलेक्टर से जब हम आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन कर ही दे रहा हूं मैं, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कलेक्टर का, ये पॉइंट हो गया बेस का और ये पॉइंट हो गया इमीटर का, यहाँ भी ये पॉइंट हो गया आपका कलेक्टर का, ये पॉइंट हो गया बेस का और ये पॉइंट हो गया इमीटर का।
तो आपने इनपुट V1 V2 दोनों के बेस, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस से दिया और आउटपुट आपने दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लिया, तो कल आएगा ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट। अब इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, यानी कि ड्यूअल इनपुट तो हम देंगे ड्यूअल इनपुट, लेकिन अब आउटपुट जो होंगे एक ही कलेक्टर से लेंगे, ड्यूअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट, अनबैलेंस्ड आउटपुट। ओके, सो हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दिस? सिर्फ एक चेंज है, जो सर्किट आपने बनाया है उसी सर्किट को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम आप यहाँ पे उतार दीजिए, यानी कि ट्रांजिस्टर नंबर वन उसका कलेक्टर यहाँ पे, उसका इमीटर यानी कि ट्रांजिस्टर नंबर वन का RC1 RE1, और फिर उसी तरीके से ट्रांजिस्टर नंबर टू का, ट्रांजिस्टर नंबर ये टू यानी कि T2 की बात करें हम, ये ट्रांजिस्टर नंबर टू का ये RC2, और यहाँ पे हम ऊपर दोनों की सप्लाई दे रहे हैं, DC सप्लाई प्लस VCC, और दोनों को यानी कि माइनस VEE यहाँ पे दे दिया, और ये RE1 दिस इज RE2, और ये एक को हमने क्या कर दिया ग्राउंड, यानी कि इस पे हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सॉरी जस्ट मिनट ये इस पे एज इट इज जो हमने इनपुट दिया था, एज इट इज यहाँ भी इनपुट रहेगा, सो यहाँ भी हम जो है डुअल इनपुट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हमने इनपुट दे दिया इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V1, बट आउटपुट वी आर टेकिंग अक्रॉस ओनली वन, एनी वन लाइक दिस वन, और ये इसको हमने क्या कर दिया ग्राउंड, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा, यानी कि ग्राउंड के रेफरेंस में वो कहलाएगा आपका ड्यूअल इनपुट बट अनबैलेंस्ड आउटपुट। सो दिस इज T1 एंड T2 एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम, आप RB1 अगेन RB2। सो सिमिलर वे में यहाँ भी जो आपकी वैल्यूज होंगी, यानी कि ये यहाँ पे पहले कैप कलेक्टर, ये बेस एंड इमीटर, एंड द ट्रांजिस्टर टू का यहाँ पे इमीटर बेस एंड कलेक्टर, तो एक के कलेक्टर से यानी कि हमें आउटपुट जो है अनबैलेंस्ड है, मतलब एक के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ड्यूअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट। अब यही चीज है चलेंगी, इसी तरीके से रिपीट होंगी थर्ड स्टेप में सिंगल, अब यहाँ पे पहले वाले को आप रिपीट कीजिए, यानी कि वहां पे एक बस सिर्फ चेंज कीजिए, सिंगल आउटपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट। इसमें क्या होगा, यानी कि आउटपुट अब एक ही टर्मिनल यानी कि एक ही बेस के थ्रू हम देंगे, सर्किट को हमें बार बार वही बनाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जो हम सर्किट ये बनाते हैं वो एज इट इज यहाँ भी वही होगा, सब कुछ एज इट इज रखेंगे। अंतर क्या होगा, सिर्फ जो सर्किट में इनपुट दे रहे हैं दोनों सर्किट के क्रॉस, उस इनपुट को हमें चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पे जो हम VCC और यहाँ पे माइनस V, तो एज इट इज रहेगा, सारे सर्किट में सब कुछ चेंज रहेगा, बट इनपुट हम किसी एक के क्रॉस, यानी कि यहाँ पे हमने V1 दे दिया, ओके, और इसको इस पे हमने कुछ भी नहीं, जीरो दिया, ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि ये RB2 और RB, यानी कि RB1 के क्रॉस को हम इनपुट दे रहे हैं बट RB2 को, यानी कि एक ही इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट हम दोनों के क्रॉस दे रहे हैं, ये यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट RC1 और दिस इज RC2, अगेन यहाँ पे RE1 RE2, ट्रांजिस्टर नंबर वन ट्रांजिस्टर नंबर टू। अब आप अगर पूरे सर्किट को कंपेयर करोगे तो सब में एक एक चेंज हुआ, डुअल दोनों में इनपुट दिया था, आउटपुट हमने दोनों के क्रॉस, दोनों कलेक्टर के क्रॉस दिया, दोनों में सेकंड वाले केस में इनपुट तो हम दोनों टर्मिनल दोनों बेस पे दिया, लेकिन आउटपुट सिर्फ हमने एक ही कलेक्टर के क्रॉस दिया, ठीक है, और इसी तरीके से अभी तीसरा सिंगल पे एक ही पे इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट हम दोनों कलेक्टर के क्रॉस ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा ड्यूअल सिंगल इनपुट बट बैलेंस आउटपुट, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया, एंड द लास्ट वन द फोर्थ वन इज वी हैव फोर्थ सिंगल इनपुट बट अनबैलेंस आउटपुट, यानी कि इनपुट भी हम एक टर्मिनल पे एक ही ट्रांजिस्टर के क्रॉस देंगे और आउटपुट भी हम एक ही ट्रांजिस्टर के क्रॉस देंगे। लेट अस सी दिस वन आल्सो, लाइक अगेन द मिरर इमेज आप एक तरीके से बना दीजिए इन दोनों का, ये और ये RE1 दिस इज RE2
टू, यानी कि इन्वर्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस कलेक्टर से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे बीसीसी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड कलेक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर एंड इमीटर, बेस के अक्रॉस, एक ही बेस के अक्रॉस आप आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं सॉरी. सो दिस इज, और ये बेस वन और दूसरे का ये बेस टू, बट नथिंग बट दिस इज जीरो, हियर इट इज जीरो. सो सेकेंड वाले के अक्रॉस हमने इनपुट नहीं दिया है, एक ही के अक्रॉस हमने इनपुट दिया है. ओके, सो दिस वन इज ग्राउंडेड, यानी कि इस पे इनपुट. आउटपुट भी हम एक ही कलेक्टर के अक्रॉस दे रहे हैं, दूसरा कलेक्टर आपका यहाँ पे ग्राउंड. और अफकोर्स ये सेकेंड नंबर ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम लोग आर सी टू नाम देते हैं, इसका नाम आर ई टू देते हैं, इसका नाम आर बी टू देते हैं, और यहाँ पे आर बी वन, आर ई वन एंड आर सी ट्रांजिस्टर नंबर वन, ट्रांजिस्टर नंबर टू. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इससे एक चेंज है, यानी कि आउटपुट जो है एक के कलेक्टर के क्रॉस ले रहे हैं, यानी कि वी आउटपुट इज इक्वल टू दिस कलेक्टर वर्सेस ग्राउंड. सो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट लिया हमने, और अनबैलेंस आउटपुट, यानी कि सिर्फ एक ही के अक्रॉस जो है हम आउटपुट ले रहे हैं, यानी दूसरे किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. एक को हमने एक, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम आउटपुट लें तो वो क्या कहलाएगा, बी आउटपुट, यानी कि अनबैलेंस आउटपुट. तो ये हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. हाँ, अगर आपको इसको थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस में, लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आपको जो मेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, ये जो आपको डिफाइन करके, और इसके बारे में कि हमने वी वन इनपुट दिया बेस के ऊपर, और इसका जो हमें कलेक्टर के ऊपर जो आउटपुट मिलेगा वो रिवर्ट इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा, फिर बेस के ऊपर हम दूसरा इनपुट देंगे, तो इसी के बारे में ब्रीफ में पॉइंट वाइज पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो यू विल गेट ऑलमोस्ट कंप्लीट मार्क्स.